गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मुमनलिसा परमन को स्वागत करुची ओडिया जानकारी टीवी चैनल को। फ्रेंड्स, आज सेप्टेम्बर 2 तारीख गुरुवार, चलतु जाने नबा आज सकाळ रे बच्चा बच्चा टॉप लेटेस्ट न्यूज अपडेट। फ्रेंड्स, प्रत्येक दिन परी आज मध्य आपण माने वीडियो टी शेष जाय बिना स्किप करी देखु थांतु, जहा द्वारा कि एक ही समय मध्य आपण माने देश विदेश ठारु आरंभ करी ओडिसा रे समस्त जिल्ला रे कोण अनुकोण रे समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर एबे ही पाई परिबे। आउ ता सहित वीडियो को समस्त गोटे गोटे लाइक करने सहित व्हाट्सएप एवं फेसबुक माध्यम से शेयर कर दिंतु, एवं चैनल को जदि प्रथम थर पर आज ही आसी था एवं ही सब्सक्राइब कर पाखे घंटी को एवं दबाई दिंतु, जहाद्वारा कि आम चैनल प्रति वीडियोर अपडेट और नोटिफिकेशन आपण मैंने सबुठ प्रथम पाइपर तेज चलत। फ्रेंड्स, संपूर्ण खबर पर नजर पकड़ा। आज प्रथम अपडेट है इ श्रम पोर्टाल जल्दी ही करूँ रजिस्ट्रेशन मिलवाक जाऊँ समस्त श्रमिकों रोजगार सहित अनेक टंका। भारत सरकार कोटी कोटी असंगठित श्रमिकों सामग्रिक कल्याण पर एक जातीय डाटाबेस लॉन्च कर मोदी सरकार ई श्रम पोर्टाल विकसित करोर आधार कार्ड सहित संप्रक्त हो देशर 38 कोटी रु अधिक असंगठित श्रमिक यही पोर्टाल पंजीकृत होते, जहाद्वारा कि सेमानकु रोजगार सहित अनेक फायदा मिल पार। ई श्रम पोर्टाल अंतर्गत पंजीकरण संपूर्ण मागणा रही, अर्थात श्रमिक मान पंजीकरण पर कौन सी भी अर्थ देवाक पड़े ना। परवर्त अपडेट है खाउटी उपर पुणी थे महंगा माड़, 15 दिन में पुणी थे बढ़ला एलपीजी सिलिंडर दर। मसर प्रथम दिन में खाउटी उपर पड़ी महंगार छाट, बढ़ला घर एलपीजी सिलिंडर दर। अण सब्सिडी युक्त घर एलपीजी गैस सिलिंडर दाम 25 टंका वृद्धि पाई। वर्धित दर अनुजाई एबे दिल्ली रे 14 किलोग्राम सिलिंडर पिछा खाउटी को 884 टंका देवाक पड़ो। यह पूर्व अगस्ट 18 रोसे गैस सिलिंडर दर 25.50 को वृद्धि पाई, गला 15 दिन मध्य घर गैस सिलिंडर दर 50 टंका जाए वृद्धि पाई। से हीपरी 19 किलोग्राम व्यावसायिक सिलिंडर मूल्य वृद्धि हो सिलिंडर पिछा 19 टंका जाए दाम बढ़ी। परवर्त अपडेट है पुणी थरे खसिला सुनार दर। देश में बुधवार अर्थात सेप्टेम्बर 1 सुनारूपा मूल्य पुणी थे ह्रास रेकर्ड कर सुना मूल्य सबुदिन प्राय फरक देखा मिलू। लगातार भाव सुना दर ह्रास पाता बेले आज भुवनेश्वर सुना दर पुणी ह्रास हो अंतर्जातीय बजार मूल्यवान धातु मूल्य ह्रास घटी, जहार प्रभाव देशर घर बजार देखा मिली। देश में सोमवार सुना मूल्य 160 टंका ह्रास घटी, बुधवार देश में 24 कैरेट 10 ग्राम सुना दर में 120 टंका ह्रास घटी, जहाँपुर 10 ग्राम सुनार मूल्य 47,380 टंकार पहुँचुचे। परवर्ती अपडेट है कोविड मृतकों परिवार देवदूत साजिब एवं ईएसआईसी शेष दरमार 90% पाइबे पेंशन। सचेतनता अभाव कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी कोविड सहायता योजन लाभ उठाई पार्टी अनेक हिताधिकारी कोविड संक्रमण हो मृत्युवरण कर ईएसआईसी हिताधिकारी निकट में संपर्क को प्रतिमास 90% दरमा प्रदान करने व्यवस्था रही, तेज राज्यर प्राय 35 जन हिताधिकारी योजन उपकृत होती। तेज यह योजना मध्यम जन जदि व्यक्ति कोरोन मृत्युवरण करती तेरे संतान सतति मानू 18,000 टंका पेंशन मिल। एने सूचना प्रदान करम्प्लयिज स्टेट इन्सुरांस कॉर्पोरेशन। परवर्ती अपडेट है राज्य में 64 पुलिस अधिकारी पाइबे मुख्यमंत्री ठारु मेडल। राज्य में 64 जन पुलिस अधिकारी को मिलवाक जाऊँगी मुख्यमंत्री तरफ मेडल। 5T अधीन तदंतर उत्कर्षता यह मेडल पाइपर अधिकारी राज्यस्तरीय अवार्ड कमिटी अनुमोदन अनुसार से पुरस्कृत होते। 64 पुलिस अधिकारी पुरस्कृत करने गृह विभाग पक्ष विज्ञप्ति प्रकाश पाई। परवर्ती अपडेट है ये साप विषय नष्ट कोरोना भाइरस। सारा विश्व में कोरोना भाइरस काय विस्तार करतीहत करने लगे सबुठ वैक्सीनेशन आरंभ हो जाए समय ब्राजिल विशेषज्ञ मैंने एक तथ्य देखते जहाँ शुणिले आपण मध्य आश्चर्य हो जाए। विशेषज्ञ मान मत अनुजाई कोरोना भाइरस को शेष कर सापर विष एक विशेष प्रकार सापर विषय थिबा मॉलिक्यूल मांकड़ शरीर में कोरोना संक्रमण वृद्धि को रोकी पारिथिला, जहाँकि मनुष्य शरीर में प्रयोग विशेषज्ञ मैंने आशा कर। परवर्ती अपडेट है पुणी टीकाकरण नुआ रेकर्ड कला भारत। तृतीय लहर को नहीं आशंका जी बढ़ लगी भारत से द्रुत गति में टीकाकरण पुणी थे भारत कोरोना विरोधी टीकाकरण रेकर्ड सृष्टि कर
ଦିନକରେ 1.9 କୋଟି ଅଧିକ ଡୋଜ୍ର ଟିକାକରଣ କରି ଭାରତ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି। January 16 ଦେଶରେ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେବେ ହେଲେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଟିକାର ଡୋଜ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ହେଲେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଦିନକରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରି ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ଅପରାଧିକ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ VPNକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ଦରକାର। ଗୃହ ବ୍ୟାପାର ଉପରେ ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ଭାରତର VPN ମାନଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ଏହି ସେବା ଅପରାଧୀକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅଜ୍ଞାତ ରହିବାକୁ ଦେଇଥାଏ। ମିଡ଼ିଆ ନାମ ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ପରି କମିଟି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏପରି VPN ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା। ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଫେସବୁକ୍ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ IT ନିୟମ ଅନୁସରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗତ ମାସରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପ୍ରଥମ ମାସିକ ସୁରକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଏହା May 15 June 15 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଅତିକମ୍ରେ 2 ନିୟୁତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯାହାକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ 3 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ଆଉ ଏକ ଭାଇରସ୍କୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କଲା ରୁଷ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରୁଷ ଟ୍ୱେଷ୍ଟ ନାଇଫ୍ ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। କାରଣ କମ୍ ତାପମାନ ଏବଂ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଏହି ଭାଇରସ୍ ବିସ୍ତାରିତ କରୁଥିବା ମଶାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଟ୍ୱେଷ୍ଟ ନାଇଫ୍ ଭାଇରସ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଫ୍ରିକାର ଭାଇରସ୍ ଅଟେ। ଏବେ ଏସିଆ, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ବ୍ୟାପି ସାରିଛି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମଶା କାମୁଡ଼ାରେ ହିଁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଘାତକ ସ୍ନାୟୁଗତ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଭାଇରସ୍କୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରୁଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଛାବଛା ଟପ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।